तो हाय दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल इन माय अनदर वीडियो। एंड देर इज़ ए न्यू न्यूज़ अबाउट द न्यू क्राइटेरिया फॉर नॉर्दर्न टेरिटरी इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर 1901491। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस वीज़ा एंड दिस इज़ वन ऑफ द स्टेट, यू नो द आई कैन से देर इज़ अ लीस्ट पॉपुलेशन, इज जस्ट 2 point a few thousands only, you know. So it is a scope, there is a lot of scope for the immigration, and this is one of the easiest state to migrate in Australia, you know, especially. But nowadays they also change their criteria, so we'll see what are the criteria we change, you know. तो जो पॉपुलेशन है डाइवन का, आई मीन जिसका पॉपुलेशन है पूरे स्टेट का, ये है 2,11,000, मतलब द होल स्टेट। दिस इज द 7 स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया, and this is one of the northern territories and the Queensland, New South Wales and Victoria, South Australia and Western Australia, you know. So northern territory have just 211,000, मतलब 211,000 population है, और इसकी जो capital है डार्विन और उसकी population है 132,000 है ना। तो आप देख सकते हैं कि पूरा state जो है ये खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा demand है, ये चाहता है state जो है यहाँ पर लोग आए और बस जाए। तो क्या है इनकी जो क्राइटेरिया, एटलीस्ट इन्होंने कुछ क्राइटेरिया रख दिया है। पहले बहुत इजी था और आज के डेट में थोड़ा सा इन्होंने टफ कर दिया है, तो आप देखते हैं इन्होंने क्या किया है। तो इन्होंने कहा है कि भैया आप वहाँ पर एटलीस्ट 2 साल से आप वहाँ पर जो है रह रहे हो ना। नॉर्दर्न टेरिटरी रेजिडेंट एप्लीकेंट विल बी एलिजिबल फॉर सब क्लास 190 नॉमिनेशन इफ दे हैव द, मतलब अगर आप 190 अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर 2 साल से आप वहाँ पर रह रहे हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं ना। बिसाइड दे शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट नन ऑफ देयर माइग्रेंट डिपेंडेंट, मतलब ये है कि आपकी फैमिली, फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड और वाइफ हैं, तो आप दोनों ही लोग नॉर्दर्न टेरिटरी में रह रहे हैं 2 साल से, देन ओनली यू कैन अप्लाई। बहुत सारे टाइम पर क्या होता है कि एक बंदा जो है दूसरे स्टेट में होता है और जो है उनका डिपेंडेंट दूसरे स्टेट में है, तो वो अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते। तो उन्होंने ऐसा क्लियरली बताया हुआ है कि 2 साल से आप रह रहे हो अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पर, और फिर आपको जो है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब आप वहाँ पर जो है जॉब कर रहे हो ऑलरेडी नॉर्दर्न टेरिटरी में 2 साल से आप रह रहे हैं, और जो है जो ऑक्यूपेशन है आपका वो भी उसके स्टेट की लिस्ट में है, तभी आप जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। और आगे भी जब आप अभी 2 साल से आप रह रहे हैं काम कर रहे हैं वहाँ पर, पूरी फैमिली आपकी वहाँ पर है, और आगे भी आपको ये दिखाना होगा कि 12 महीने का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है या जो है आपका एम्प्लॉयर आपको लेटर दे दे कि हाँ ये इनके पास एम्प्लॉयमेंट है अगले 12 महीने तक, तो वही लोग 190 अप्लाई कर सकते हैं नॉर्दर्न टेरेटरी के अंदर। अब देखते हैं कि अब बहुत सारे जो स्टूडेंट आते थे वो नॉर्दर्न टेरिटरी में आते थे इसी नहीं है कि इनको पीआर मिल जाएगा इजीली, है ना। तो अभी जो पहले क्या था, पहले कोई भी स्टूडेंट था वो आई स्टडी करने के बाद, मास्टर डिग्री करने के बाद या कुछ भी स्टडी करने आया, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे 190 के लिए। मगर अभी इन्होंने कंडीशन लगा दिया है कि आपको स्टडी फिनिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप मास्टर डिग्री करने के नॉर्दर्न टेरिटरी में, तो आपको मास्टर डिग्री ख़त्म करनी है और आपको वहीं पर जॉब मिल गई उस स्टेट के अंदर, 6 महीने से आप जो है वो जॉब कर रहे हैं, तभी आप एलिजिबल हैं 1190 के लिए नॉर्दर्न टेरिटरी में। पहले ये कंडीशन नहीं थी, पहले कोई भी जस्ट फिनिश किया स्किल असेसमेंट करा के वो अप्लाई कर सकते थे, तो अब ये जो है ख़त्म कर दिया गया है। हाउएवर, मतलब उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, अगर आप 190 नहीं मगर आप जो है 491 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जो स्टूडेंट है 190 में अगर वो एलिजिबल नहीं, उनके पास जॉब नहीं, 6 महीने से जॉब नहीं करें, मगर वो 491 वो कर सकते हैं, मगर उसमें आपको वही दिखाना होगा कि आपके जो है आपका जो ऑक्यूपेशन है लिस्ट में तो है ही, और आपके चांसेस हैं आप वहाँ जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको जॉब मिल जाएगी, मतलब आप जनरल एफर्ट कर रहे हैं जॉब ढूंढने का, तो फिर इस हिसाब से आप जो है 491 अप्लाई कर सकते हैं ना। और फिर अगर बात करें नॉर्मल लोगों की 491 के लिए, तो 491 जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कोई जो है कोई सिडनी में रह रहा है या कोई मेलबर्न में रह रहा है ना, तो पीआर लेने के लिए अगर आप उस स्टेट में गए तो उसकी कंडीशन ये है कि 6 महीने से आप वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं, 6 महीने से आप रह रहे हैं उस स्टेट के अंदर नॉर्दर्न टेरेटरी के अंदर, तभी आप जो है ये 491 जो है आप कर सकते हैं। और फिर आपको वही दिखाना होगा कि फुल टाइम आप एम्प्लॉयमेंट का जॉब कर रहे हैं वहाँ से, 6 महीने से आप रह रहे हैं, 6 महीने से आप जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, और आगे भी आप जो है आपके पास 12 महीने का एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो आपको एक लेटर देना होगा उसमें दिखाना होगा कि जो एम्प्लॉयर आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है अगले 12 महीने का, आप 6 महीने से वहाँ पर थे ऑलरेडी, 6 महीने से आप जॉब कर रहे थे और 12 महीने का आगे और
तभी वो लोग 491 कर सकते हैं। मगर स्टूडेंट अगर हैं तो फिर अगर 6 महीने से जॉब करें तो 190 कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो फिर जो है 491 आप लोग कर सकते हैं। तो ये था, तो आप देखते हैं कि ये नॉर्मली 491 की जो कंडीशंस होती हैं वो होती हैं कि 65 पॉइंट होने चाहिए आपकी मिनिमम इंक्लूडिंग स्टेट स्पॉन्सरशिप। इसकी स्टेट जो है आपको जो है 15 पॉइंट देता है, जैसे कि वो पता ही, तो आपके अगर 50 पॉइंट भी हो रहे थे और 15 पॉइंट जो नॉर्दर्न टेरिटरी स्टेट देगा आपको, तो फिर आपको 60 पॉइंट हो जाएंगे, तो आप एलिजिबल हैं। एज जो है 40 से कम होनी चाहिए और इंग्लिश जो है 6 जो है मिनिमम होनी चाहिए ईच में, और जो है योर ऑक्यूपेशन जो है लिस्ट में होना चाहिए। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया था जो है 491 एप्लीकेशन के लिए, ऑस्ट्रेलिया में किसी भी स्टेट में अप्लाई करने के लिए, है ना। यानी आवास में जो है आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी आप वर्क कर सकते हैं, है ना, उस स्टेट के अंदर। और जो एक मेन बात यह है कि आपकी जो 53,900 मतलब 54,000 के आसपास आपकी इनकम दिखानी पड़ेगी आपकी जो है, ये जो है आपने करी है 3 साल तक, और 3 साल तक आप जॉब कर रहे हैं फुल टाइम, और उसके बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली 491 जो है पीआर वीज़ा नहीं है, जो है स्किल्ड जो है वर्किंग वीज़ा हम लोग कह सकते हैं। 5 साल का वीज़ा मिलता है, तो उसमें 5 साल में आपको 3 साल तक जॉब दिखानी है और इतनी आपको इनकम भी दिखानी है 54,000 के आसपास, उसके बाद फिर जो है आप लोग पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक जो है अच्छी बात यह है कि स्कूल जो होते हैं स्कूलिंग फ्री है इसके अंदर, मगर ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। तो आप कौन से स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि वो फ्री है या नहीं। कुछ जगह फ्री है, कुछ जगह पर जो है बहुत ही कम फीस ली जाती है उस टाइप से। मेडिकेयर फ्री है, मतलब जो आपकी हेल्थ केयर है वो पूरा कवर किया जाएगा इसके अंदर, और ये प्रायोरिटी एप्लीकेशन है तो उसको बहुत जल्दी एप्लीकेशन को जो है रिव्यू करके जो है आपको आउटकम दे दिया जाएगा इसका। और ये और यहाँ बस यही कोई था इस वीज़ा के बारे में। तो ये वीज़ा अगर आपके पास पॉइंट कम है तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपके अगर पॉइंट ज़्यादा है और आप एलिजिबल हैं 190 के लिए, तो आई रिकमेंड दैट यू हैव टू गो फॉर 190 इफ़ यू हैव एनफ पॉइंट। बट आपके पास इतने पॉइंट नहीं है तो फिर आप जो है 491 को भी आप लोग जो है जा सकते हैं। अब जो है यहाँ पर थोड़ा सा कुछ के रीजनल सेंटर्स क्या हैं और रीजनल एरिया क्या है ना, तो ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। तो सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन को तो छोड़ दें हम, यहाँ तो आप ये 491 पर नहीं रह सकते हैं वो, इसके अलावा आप कहीं भी रह सकते हैं। जैसे कि ये मेजर सेंटर्स, मेजर रीजनल सेंटर्स, जैसे पर्थ हो गया, गोल्ड कोस्ट हो गया, एडिलेड, सनशाइन कोस्ट, कैनबरा, न्यूकासल, वोलंगोंग, मतलब ये सारी जगह, होबार्ट हो गया, तो इन सारी जगह पे आप लोग रह सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर कोई स्टडी करने आता है इस रीजनल सेंटर्स के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप आते हैं जो है एडिलेड में, तो फिर आपको जो वीज़ा मिलेगा 2 साल का स्टडी का मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मास्टर डिग्री के लिए, मगर आपको जो टीआर मिलेगा तो उसमें आपको एडिशनल 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, 3 साल का वो टीआर मिलेगा। और अगर आप रीजनल एरिया में जाते हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम जितनी भी सिटीज के बाद जितनी भी कोई भी जगह है वो सारे फिर जो है रीजनल एरिया में आती है, तो उसमें 2 ईयर एक्स्ट्रा मिलते हैं टीआर के लिए। तो फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप आ रहे हैं 2 साल की स्टडी के लिए, तो फिर आपको 4 साल का वो रीजनल एरिया का जो है टीआर मिलेगा ना। तो यही डिफरेंस था। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं एजेंट के थ्रू और उनको पता ही नहीं है कि उनको पीआर कैसे लेनी है, उनको बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हैं, लोगों को पता नहीं है। मेरे पास इतने लोग मैसेज करते रहते हैं और मेरे से जो है लोग मिलते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए अगर आप कोई भी स्टूडेंट हैं और अगर आप यहाँ पे हैं ऑस्ट्रेलिया में, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी जो है को पीआर कैसे ले सकते हैं, या फिर आपको जो है जॉब में कोई प्रॉब्लम है ना, मतलब ऐसी टाइप की, तो मैं यहाँ पर जो है स्पेशली यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं फार्मेसी वाले, जो बी फॉर्म करके आए या फार्म डी करके आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, और वो स्ट्रक हो गए, समझ में नहीं आ रहा उनको करना क्या है आगे। तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर कंसल्टेशन रन करता हूँ और जो है मेंटोरशिप प्रोग्राम करता हूँ पूरा उनके ड्यूरेशन में, कि उनको क्या क्या करना चाहिए उस हिसाब से। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।